सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। फीफा वर्ल्ड कप 2018 के दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में इंग्लैंड की हार शायद ही उसके फैंस भूल पाएंगे। क्रोएशिया के खिलाफ खेले गए इस अहम मुकाबले में इंग्लैंड ने पहले हाफ के पहले 5 मिनट में ही गोल दाग दिया था। इसी के साथ लंदन से लेकर मैनचेस्टर की सड़कों पर जश्न का माहौल शुरू हो चुका था, लेकिन कौन जानता था दुल्हन की तरह सजी ये सड़कें जल्द ही किसी शोक में तब्दील हो जाएंगी। दूसरे हाफ में क्रोएशिया ने 1-1 से बराबरी करते हुए इंग्लैंड पर अटैक करना शुरू कर दिया और दूसरे हाफ के एक्स्ट्रा टाइम में दूसरा गोल दाग कर इंग्लैंड को फीफा वर्ल्ड कप की रेस से बाहर कर दिया। इस हार के बाद इंग्लैंड के सड़कों पर देर रात तक रोते बिलखते फैंस कुछ इस तरह से नजर आए। एस्टन गेट स्टेडियम में फैंस स्क्रीन पर फुटबॉल मैच का मजा ले रहे थे, लेकिन कुछ फैंस के लिए इंग्लैंड की जीत का सपना उनके आंसुओं में बह गया। इंग्लैंड की हार के बाद लिवरपूल में एक महिला रात भर नशे में सड़क पर बैठी रही। रुजनुकी स्टेडियम में इंग्लैंड की हार के साथ ही इस फैन की आंखों से आंसुओं का सैलाब बहने लगा। बर्मिंघम में एक व्यक्ति नशे में धुत एक गंदे पानी की नहर में जा कूदा। टीम मैनेजर गैरेथ साउथगेट के धुरंधरों का वर्ल्ड कप में हार का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए फैंस। मैनचेस्टर के कैशल फील्ड बॉल में कुछ यूं टूटा मासूम फैन का दिल। क्रोएशिया के खिलाफ हार के बाद अफसोस जताते इंग्लिश गोलकीपर जॉर्डन पिकफोर्ड। क्रोएशिया के दूसरे गोल पर कुछ इस तरह हैरान थे इंग्लैंड के फैंस। बता दें कि फैंस के अलावा इंग्लिश फुटबॉल टीम के खिलाड़ी और उनके परिवार वालों के लिए भी ये हार किसी बड़े तूफान से कम नहीं थी। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।